वेलकम टू स्टडी विद फॉर मोर सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉर लेटेस्ट अपडेट फॉलो अस ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम अगर आपको इस सब्जेक्ट की सारी वीडियोज चाहिए तो वो सारी वीडियो एक ही प्ले लिस्ट में मिलेंगी उस प्ले लिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार आप जरूर चेक कर लेना तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर सेवेंटीन ऑफ आई पी सी इस चैप्टर में प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होने वाले ऑफेंसेस का जिक्र किया गया है इस चैप्टर में से अब तक हमने कवर कर ली है थेफ्ट से संबंधित जो प्रोविज़न दिए गए हैं वो वाले प्रोविज़न आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे एक्सट्रॉशन से संबंधित प्रोविज़न एक्सट्रॉशन से संबंधित प्रोविज़न आईपीसी में दिए गए हैं सेक्शन थ्री से लेकर सेक्शन थ्री तक के प्रोविजन में बेसिकली सेक्शन थ्री एटी एक्सट्रॉर्शन को डिफाइन करता है एंड इसका पनिशमेंट आपका सेक्शन थ्री एटी फोर में दिया गया है और इसका जो अटैम्प है एंड इसकी जो एग्रवेटेड फॉर्म्स हैं उनका जिक्र आपका सेक्शन थ्री एटी फाइव से लेकर थ्री एटी नाइन तक किया गया है इंडियन लॉ में एक्सटॉर्शन इंग्लिश लॉ में जो ब्लैक मेलिंग वगैरह होती है उसके सिमिलर होता है और इसका गठन तब हो जाता है जैसे क्या किया जाता है अनरीजनेबल डिमांड के लिए टेरर दिया जाता है किसी को किसी को भय में डाला जाता है किसी अनरीजनेबल डिमांड के लिए बेसिकली एक्सटॉर्शन को हिंदी में कहते हैं उद्यापन सेक्शन थ्री एटी थ्री ऑफ आई पी सी ये कहता है कि जो कोई भी क्या करता है किसी व्यक्ति को इस भय में इंटेंशनली डालता है कि वो उसको इंजरी कॉज करेगा या फिर किसी अदर व्यक्ति को वो क्या कर देगा इंजरी कॉज कर देगा और इस तरीके से डिशोनेस्टली उस व्यक्ति को इंड्यूस करता है जिसको उसने डर में डाला है कि वो किसी व्यक्ति को क्या करें डिलीवर करें क्या चीज़ कोई प्रॉपर्टी कोई संपत्ति वो आपकी मूवेबल भी हो सकती है वो इमूवेबल भी हो सकती है या फिर कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी कोई मूल्यवान प्रतिभूति जैसे कि आपका सेक्शन थर्टी ऑफ आईपीसी में डिफाइन है या फिर एनीथिंग साइन सील्ड विच में बी कन्वर्टेड इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी मतलब किसी चीज़ पे साइन वगैरह करवा लिया मोहर वगैरह लगवा ली जिसको वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है तो यहाँ पर जो कोई भी क्या करता है इंटेंशनली किसी व्यक्ति को उसको इंजरी किए जाने के भय में डालकर या फिर किसी और व्यक्ति को इंजरी किए जाने के भय में डालकर क्या करता है उससे इन तीनों में से किसी भी चीज़ को डिलीवर करने के लिए डिशहनेस्टली इंड्यूस करता है तो उस व्यक्ति का ये एक्ट कहलाएगा एक्स्ट्रॉर्शन ऐसा कहा जाएगा कि उस व्यक्ति ने क्या किया है उस व्यक्ति ने किया है एक्स्ट्रॉर्शन यहाँ पर जिस इंजरी के भय में डालकर कोई वैल्यूएबल प्रॉपर्टी ली जा रही है या फिर कोई प्रॉपर्टी ली जा रही है या फिर कोई चीज़ पर साइन वगैरह करवाया जा रहा है सील वगैरह लगवाया जा रहा है जिसको आप वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं तो ये जो इंजरी का भय दिया जा रहा है इसका मतलब क्या है इसका मतलब आपका सेक्शन फोर्टी फोर ऑफ आईपीसी में बताया गया है बेसिकली आईपीसी में कहीं पर भी इंजरी शब्द आपको दिखे तो उसका मतलब यही होगा जो कि सेक्शन फोर्टी फोर ऑफ आईपीसी में बताया गया है तो इंजरी का मतलब यहाँ पर है कि अगर किसी व्यक्ति के बॉडी माइंड रेपुटेशन या फिर प्रॉपर्टी को इलीगली हार्म कॉज किया जाता है तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि उस व्यक्ति को इंजरी कोज किया गया है यहाँ जिस इंजरी की बात की गई है ये डायरेक्ट भी हो सकती है या फिर ये इनडायरेक्ट हो सकती है तो इन एनी केस इट शुड बी बिफोर डिलीवरी तो यहाँ पर जिस सामान की डिलीवरी के लिए आपने किसी व्यक्ति को इंजरी कॉज करने के भय में डाला है तो ऐसा आपने उस सामान की डिलीवरी से पहले किया हो मतलब पहले आपने उसको भय में डाला हो कि भाई आपको ये सामान देना पड़ेगा अदरवाइज़ हम आपको मारेंगे पीटेंगे या फिर हम आपको रॉन्गफुली कन्फाइन कर देंगे या फिर हम आपके ऊपर झूठा मुकदमा चला देंगे आपको प्रोजिक्यूट करवा देंगे आपके ऊपर अभियोजन लगवा देंगे या फिर आपके खिलाफ हम कोई टिफेमेटरी आर्टिकल पब्लिश कर देंगे मतलब ये जो फ़ियर दिया जा रहा है ना इंजरी का ये जिस संपत्ति की प्राप्ति के लिए किया जा रहा है उस संपत्ति की प्राप्ति से पहले किया गया होना चाहिए कहने का मतलब है ये तो यहाँ पर ये जो एग्ज़ाम्पल्स हमने आपको बताया कि किसी को मारने पीटने की धमकी दी जा सकती है या फिर किसी व्यक्ति को रॉन्गफुली कन्फाइन करने की धमकी दी जा सकती है या फिर थ्रेटन किया जा सकता है कि हम आपको प्रोजिक्यूट करवा देंगे या फिर आपके खिलाफ हम डिफेमेटरी आर्टिकल पब्लिश कर देंगे तो ये क्या है ये इंजरी का भय डालने वाले एग्जाम्पल्स हैं लाइक जैसे कि यहाँ पर रिलिस्ट्रेशन दिया गया है कि जो ए है वो जेड को धमकाता है कि भाई अगर आपने हमें पैसे नहीं दिए ना तो हम आपके खिलाफ डिफेमेटरी लिबल पब्लिश कर देंगे तो यहाँ पर इस तरीके से जो ए है वो जेड को इंड्यूस किया है टू गिव मनी पैसा देने के लिए पैसा डिलीवर करने के लिए तो ए ने क्या किया A ए ने कमिट किया है एक्सटोर्शन नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि जो ए है वो जेड को थ्रेटन करता है कि वो उसका जो बच्चा है उसको रॉन्गफुली कन्फाइन करके रखेगा जब तक कि जो Z है वो क्या नहीं कर देता है कोई कागज़ वागज़ पर साइन करके ए को डिलीवर नहीं कर देता है लाइक like कोई प्रोमेजरी वगैरह नोट वगैरह है उसकी बात की जा रही है जिसमें Z बाइंड होगा टू पे सर्टेन थिंग टू ए तो उस चीज़ पे साइन करवाने के लिए क्या किया जा रहा है Z को इंड्यूस किया जा रहा है कि आप इस पर साइन कीजिए अदरवाइज़ हम आपके बच्चे को रॉन्गफुली कन्फाइन करेंगे तो यहाँ पर जो जेड है क्या कर देता है नोट पर साइन कर देता है और उसको डिलीवर कर देता है उसको दे देता है तो यहाँ पर जो ए है ए ने क्या किया है ए ने कमिट किया है एक्सट्रॉशन नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन है कि जो ए है वो जेड को इस भय में डालता है कि वो क्या करेगा उसको हर्ट देगा तो इस तरीके से वो क्या करता है जेड को डिशोनेस्टली इंड्यूस करता है कि वो क्या करे एक ब्लैंक पेपर पर साइन कर दे या फिर उस पर वो सील वगैरह अफिक्स कर दे एंड इस चीज़ को वो ए को दे दे तो अब क्या करता है जेड जेड साइन कर देता है ब्लैंक पेपर और इस चीज़ को ए को डिलीवर कर देता है तो जैसा कि यहाँ पर पेपर साइन किया गया एंड ये आपका कन्वर्ट किया जा सकता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी में तो यहाँ पर ये जो ए है ये लाइबल होगा एक्सट्रॉशन के लिए एक केस था शंकर भागवत 1866 का इस केस में बात हेल हुई थी कि ये जरूरी नहीं है कि जो थ्रेटिन वगैरह यूज़ किया गया है और जो प्रॉपर्टी रिसीव करने वाला व्यक्ति है वो दोनों सेम ही हो मतलब सेम ही व्यक्ति ने धमकाया हो और उसी ने प्रॉपर्टी को रिसीव किया हो ये जरूरी नहीं है इट मे बी अ मैटर ऑफ अरेंजमेंट बिटवीन सेवरल पर्सन दैट दी threats should be used by some and the property received by others and they all would be guilty of extortion ऐसा हो सकता है कि जो accused हैं several accused जो हैं उन्होंने आपस में arrangement ऐसे किया हो कि एक व्यक्ति क्या करेगा threaten करेगा दूसरा व्यक्ति क्या करेगा property receive करेगा तो मतलब जो several person engage होंगे ना वो सारे के सारे यहाँ पर आपका extortion के लिए guilty होंगे सेक्शन थ्री एटी फोर ऑफ आई पी सी में ये बताया गया है कि जो एक्स्ट्रॉशन करता है उसको क्या पनिशमेंट दिया जाएगा सिंपली ये कहा गया है कि जो कोई भी कमिट करता है एक्स्ट्रॉशन वो पनिशेबल होगा विद द इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन जो कि एक्सटेंड हो सकेगी तीन साल तक या फिर विद फाइन या फिर विद बोथ बेसिकली ये जो आपका सेक्शन है ये जो ऑफेंस है इसका क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है कॉग्निजेबल मतलब यहाँ पर विदाउट वारेंट आपको अरेस्ट किया जा सकता है एंड ये नॉन वलेबल है यानी कि बेल नहीं मिलती है इस केस में बट आपको बता दूँ मैं कि जो सेक्शन है ना फोर थर्टी सेवन वहाँ पर सी आर पी सी में ये सेक्शन जो है यहाँ पर ये बताया गया है कि कब नॉन ऑफेंसेस के केस में बेल मिल सकती है दूसरी चीज़ ये है कि भाई ये जो आपका ऑफेंस है ये ट्राइबल है किसी भी मजिस्ट्रेट के समक्ष इसका विचारण हो सकता है एंड ये आपका नॉन कंपाउंडेबल है ये ड्रॉपेबल नहीं है इस पर समझौता नहीं किया जा सकता ये शमनीय अपराध नहीं है बेसिकली ऐसे कहते हैं कि जो एक्सट्रशन है ये एक ऐसा एक्ट है जो कि थेफ्ट और रॉबरी के बीच का माना जाता है कहने का मतलब है कि जैसे कि अगर हम बात करें किसकी थेफ्ट की तो थेफ्ट में क्या होता है कि जो एक्यूज है वो प्रॉपर्टी होल्डर की पोजैशन से कोई ऑब्जेक्ट या फिर प्रॉपर्टी ले जाता है बिना उसकी कंसेंट के तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये थेफ्ट का क्राइम हो गया और वो प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है वो होती है मूवेबल प्रॉपर्टी और वो डिशोनेस्टली लेकर जाता है इस चीज़ को तो ये सब चीज़ तो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है एंड नेक्स्टली uh, अगर हम बात करें रॉबरी की तो रॉबरी जो है आपका इसके तहत क्या होता है कि कोई व्यक्ति क्या करता है इन फ्रंट ऑफ दी प्रॉपर्टी होल्डर प्रॉपर्टी होल्डर के सामने से उसकी प्रॉपर्टी को छीन कर ले जाता है इन द केस ऑफ रॉबरी ऐसा होता है बट इन द केस ऑफ एक्सटॉर्शन जो एक्यूज पर्सन होता है वो क्या करता है प्रॉपर्टी होल्डर को इंजरी करने का पेयर देता है डर देता है और इस तरीके से वो उसको कंपेयर करता है कि वो क्या कर दे प्रॉपर्टी डिलीवर कर दे तो ये चीज़ आपका एक्स्ट्रॉशन कहलाती है तो इन्हीं कारणों की वजह से ऐसा कहा जाता है कि जो आपका एक्स्ट्रॉर्शन है वो रॉबरी एंड थेफ्ट के बीच का एक्ट है अब यहाँ पर ये देख लेते हैं कि आपका थेफ्ट एंड एक्सट्रशन एक दूसरे से किस तरीके से अलग है बेसिकली थेफ्ट जो है वो आपका सेक्शन थ्री सेवेंटी एट ऑफ आई पी सी में डिफाइन है तो फर्स्ट पॉइंट आप ये लिखिएगा एंड एक्स्ट्रॉर्शन आपका सेक्शन थ्री एटी थ्री ऑफ आईपीसी में डिफाइन है सेकेंडली जो थेफ्ट है उसके लिए पनिशमेंट आपका दिया गया है सेक्शन 379 में वहीं एक्सट्रॉशन के लिए पनिशमेंट प्रेस्क्राइब है सेक्शन 384 ऑफ आईपीसी में तो पहले आप ये लिख दीजिएगा दूसरी चीज आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि भाई थेफ्ट से संबंधित जो प्रोविजन दिए गए ना आईपीसी में वो दिए गए सेक्शन 378 से लेकर सेक्शन 382 तक के प्रोविजन में एंड जो एक्स्ट्रॉशन है उसके संबंध में प्रोविज़न दिए गए हैं आईपीसी में सेक्शन थ्री एटी थ्री से लेकर सेक्शन थ्री एटी नाइन तक के प्रोविजंस में तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की जो अब हम यहाँ पर आपको मेन डिफरेंस बताएंगे ये तो हम छोटी मोटी चीज़ें लिख देते हैं जिससे नंबर मिल जाता है मतलब एग्जैक्ट ये पता चल जाता है कि बच्चे को पता है कि थेफ्ट किन प्रोविजंस में है एंड आपका एक्स्ट्रॉशन किस प्रोविजंस में है तो ये पॉइंट ज़रूर लिख दिया करो सेकेंडली आप ये पॉइंट लिख सकते हैं कि भाई जो एक्सट्रॉशन है इसके तहत क्या किया जाता है रॉन्गफुली कंसेंट ऑप्टेन की जाती है रॉन्गफुली कंसेंट ऑप्टेन करके कहने का मतलब है विवश कर दिया जाता है कि कोई व्यक्ति खुद ही अपनी प्रॉपर्टी जो है या फिर कोई वैल्यूबल सिक्योरिटी जो है या फिर कोई चीज़ है जिस पर वो साइन करके या फिर उस पर सील लगा कर वो देगा जिसको वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है उसको वो खुद देता है मतलब उसके कंसेंट हमने रॉन्गफुली क्या कर लिया है ऑप्टेन कर ली है मतलब वो विवश हो गया है और वो हमें दे रहा है वो जो भी चीज़ जिसके लिए हमने उसको विवश किया है नेक्स्ट यहाँ पर थेफ्ट के केस में ऐसा नहीं होता है थेफ्ट के केस में जिस व्यक्ति के पजेशन में कोई प्रॉपर्टी है उसको बिना उसकी कंसेंट के ले जाया जाता है नेक्स्ट पॉइंट है कि जो प्रॉपर्टी ऑप्टेन की जाती है बाय एक्सटॉर्शन वो आपका जैसे कि थेफ्ट में सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी की बात की गई है वहां तक लिमिटेड नहीं है एक्सट्रॉशन में आपका इंक्लूडेड है पहली चीज एनी प्रॉपर्टी जो टर्मिनोलॉजी यूज की गई है ना इसमें आपका मूवेबल एंड इमूवेबल दोनों तरह की प्रॉपर्टी इंक्लूडेड है सेकेंडली वैल्यूएबल सिक्योरिटी की बात की गई है थर्डली बात की गई है कि किसी भी चीज़ पर साइन वगैरह या फिर सील वगैरह लगवा लिया जिसको आप वैल्यूएबल सिक्योरिटी में तब्दील कर सकते हैं बट इन द केस ऑफ थेफ्ट चोरी सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ की की जा सकती है मूवेबल प्रॉपर्टी की की जा सकती है ये आप हमेशा ध्यान रखना तो ये दो छोटे से डिफरेंस है आपके थेफ्ट इन एक्सट्रॉशन में सेक्शन थ्री एटी फाइव ऑफ आई पी सी इस सेक्शन में सिंपली ये कहा गया है कि जो कोई भी इन ऑर्डर टू दिन करने के लिए इन ऑर्डर टू दमिटिंग ऑफ एक्सट्रॉशन एक्सटॉर्शन कमिट करने के लिए क्या करता है किसी व्यक्ति को किसी इंजरी के भय में डालता है या फिर भय में डालने का डर में डालने का अटैम्प करता है देन वो यहाँ पर सेक्शन थ्री एटी फाइव ऑफ आईपीसी के तहत पनिशेबल होगा विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन जो कि एक्सटेंड हो सकेगी दो साल तक या फिर विद फाइन या फिर विद बोथ सेक्शन थ्री सिक्स ऑफ आईपीसी की अगर हम बात करें तो इसमें सिंपली ये कहा गया है कि जो कोई भी क्या करता है एक्स्ट्रॉशन कमिट कर देता है यहाँ पर एक्सट्रॉशन कमिट कर दिया गया है ठीक है तो एक्स्ट्रॉशन अगर उसने कमिट किया है बाय पुटिंग एनी पर्सन इन अ फियर ऑफ डेथ और ऑफ ग्रीवियस हर्ट टू दैट पर्सन और टू एनी अदर उस व्यक्ति को उसकी डेथ करने या फिर उसको ग्रीवियस हर्ट पहुँचाने का डर देकर उसको इस डर में डालकर या फिर किसी और व्यक्ति की डेथ करने या फिर ग्रीवियस हर्ट किसी और व्यक्ति को पहुँचाने के भय में डालकर अगर जो कोई भी क्या करता है एक्सट्रॉशन कमिट करता है तो वो आपका सेक्शन थ्री एटी सिक्स ऑफ आई पी सी के तहत पनिशेबल होगा विद द इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन जो कि एक्सटेंड हो सकेगी दस साल तक एंड वो फाइन देने के लिए भी यहाँ पर लाइबल होगा सेक्शन थ्री एटी सेवन ऑफ आई पी सी इसमें सिंपली ये कहा गया है कि जो कोई भी इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ एक्सट्रॉर्शन यानी कि यहाँ पर अभी एक्सट्रॉशन कमिट नहीं हुआ है एक्सट्रॉर्शन कमिट करने के लिए क्या करता है किसी व्यक्ति को उसकी डेथ करने या फिर उसको हर्ट पहुँचाने या फिर किसी अद व्यक्ति की डेथ करने या फिर किसी अद व्यक्ति को ग्रीवियस हर्ट पहुँचाने का भय देता है के डर में डालता है तो जो कोई भी एक्सट्रॉशन करने के लिए ऐसा करता है वो पनिशेबल होगा विद द इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन जो कि एक्सटेंड हो सकेगी सात साल तक एंड वो फाइन देने के लिए भी यहाँ पर लाइबल होगा इसके बाद ये जो सेक्शन है सेक्शन थ्री एटी एट ऑफ आई पी सी इसमें सिंपली ये कहा गया है एक्सट्रशन वाई थ्रैट ऑफ एक्जेशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा मतलब जो इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ के लिए पनिशेबल ऑफेंस है या फिर डेथ के लिए पनिशेबल ऑफेंस है उसका एक्यूजेशन उसका आरोप लगाने का थ्रेट अगर दिया जाता है और उसके तहत एक्सट्रॉशन किया जाता है तो तब वो आपका सेक्शन थ्री एटी एट के तहत पनिशेबल होगा इस सेक्शन को आप डायरेक्ट से थोड़ा डिटेल में अच्छे से पढ़ लेना बाकी ये इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है इसके बाद सेक्शन थ्री एटी नाइन भी इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है इसके बाद सेक्शन थ्री एटी नाइन में सिंपली ये कहा गया है कि भाई एक्सट्रॉशन कमिट करने के लिए अगर किसी व्यक्ति को ऑफेंस का एक्यूजेशन उसके ऊपर लगाने का फेयर डाला जाता है तो तब वो यहाँ पर सेक्शन 389 में पनिशेबल होगा मतलब यहाँ पर एक्सट्रॉशन कमिट नहीं किया गया है कमिट करने के लिए ऑफेंस के एक्यूजेशन लगाने के भय में डाला जा रहा है बट सेक्शन 388 में ऑफेंस जो है एक्सट्रोशन का कमिट कर दिया गया है और उसके तहत किसी व्यक्ति को भय में डाला गया है कि आपके ऊपर ऑफेंस जो कि पनिशेबल है आपके यहाँ पर जो बताया गया है उतनी पनिशमेंट कहलाए ऐसे ऑफेंस का एक्यूजेशन लगाने के लिए अगर किसी व्यक्ति को भय में डालकर एक्सट्रोशन कमिट किया जाता है देन वो व्यक्ति जो कि एक्सट्रोशन कमिट किया है वो पनिशेबल होगा सेक्शन 388 के तहत तो इन दोनों सेक्शन को एक बार आप डायरेक्ट से पढ़ लेना इम्पोर्टेंट नहीं है तो आज के वीडियो में हमने एक्सट्रोशन के संबंध में जो प्रोविजन डिस्कस किए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है जितना जितना हमने डिस्कस किया वो इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट वीडियो में हम रॉबरी एंड डेकॉइटी कम्प्लीट करेंगे एंड जब ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे ना तो इन सब के बीच में क्या बेसिक डिफरेंट है वो भी हम अलग से उसका एक वीडियो लेकर आएंगे तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर भी कर देना हे hey गाइस जिस तरीके से हमने आईपीसी का वीडियो सीरीज स्टार्ट किया है एंड जैसे ही वो एंड हो जाएगा तो अभी हम फिलहाल क्या कर रहे हैं ई e बुक तैयार कर रहे हैं इन सारे लेक्चर्स का जो कि हमने यूट्यूब पर प्रोवाइड किए हैं आईपीसी के तो जैसे ही e ई बुक तैयार हो जाएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू मी फिफ्टीन अगस्त तक आपका आई का ई e बुक तैयार कर दिया जाएगा अगर आप लोगों को उसको परचेस करना है जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है वो उसको परचेस कर सकते हैं उसको परचेस करने के लिए आपने क्या करना होगा फिफ्टीन अगस्त टू थाउजेंड ट्वेंटी के बाद मुझे आपको मेरे ईमेल एड्रेस पर मेल करना होगा मेरा ई मेल एड्रेस है जेड एंटी सेवन जीरो सिक्स डबल जीरो एट द रेट जी मेल डॉट कॉम और मैंने अपना ई मेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है तो आप एक बार देख सकते हैं वहां पर आपने मुझे मेल करना होगा कि मैम हमें आईपीसी के नोट्स चाहिए देन मैं आपको बता दूंगी कि किस तरीके से आपने पे करना है और आपको आईपीसी का ट वीडियो लेक्चर का ई बुक प्रोवाइड कर दिया जाएगा आईपीसी के ई e बुक का जो प्राइस है वो हंड्रेड रुपीज होगा आपने हंड्रेड रुपीज मुझे पे करने होंगे इसके अलावा आपको ये भी बता दू की एविडेंस का हमने ई e बुक तैयार कर ही लिया है पूरा हो चुका है सेक्शन सेवनटीन से लेकर सेक्शन वन सिक्सटी सेवन तक के जो नोट्स हैं हमारे वीडियो लेक्चर के अगर आपको वो चाहिए एक ही ई बुक में तो आप उसको भी परचेज कर सकते हैं वो भी सौ रुपये में मिलेगा और उसके लिए आपने मेरे ईमेल एड्रेस पर मुझे मेल करना होगा कि मैम हमें एविडेंस का ई बुक चाहिए तब मैं आपको बता दूंगी कि इस तरीके से आपने पे करना है एंड देन आपको ई बुक प्रोवाइड कर दिया जाएगा